क्या आपको पता है कि 70% लीवर, 80% आंत और एक किडनी के बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। क्या आपको पता है कि चीन में एक 17 साल के लड़के ने आईपैड 2 आईफोन के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। क्या आपको पता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी गिद्ध है, जो लगभग 11,274 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। क्या आपको पता है कि भारत में पाए जाने वाला हरियाल नामक का पंछी, जो जमीन पर कभी पैर नहीं रखता। क्या आपको पता है कि लद्दाख के बेली ब्रिज संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है, जो पुल जो समुद्र तल से 5,602 मीटर ऊंचा, यह पुल 1982 में बनाया गया था। क्या आपको पता है कि जब कौवे की मौत हो जाती है तो सैकड़ों कौवे इकट्ठे होकर उसका मातम मनाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान के दो भाइयों के द्वारा बनाया गया था। यह वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैलता था। यह वायरस का मुख्य केंद्र लाहौर में था। क्या आपको पता है कि दुनिया के दिन प्रतिदिन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस कारण से इंटरनेट पर प्रति सेकेंड लगभग 27,000 GB ट्रैफिक आता है। क्या आपको पता है कि खट्टा शहद ब्राजील के जंगलों में पाया जाता है। क्या आपको पता है कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया में अपराध करता है तो उसकी सजा क्या होती, अगले 3 पीढ़ियों तक मिलती है। क्या आपको पता है किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकता और ना ही बराबर रख सकता है। क्या आपको पता है कि हर 3 सेकेंड में भारत में किसी न किसी को खून की आवश्यकता होती है। हर 3 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी खून की आवश्यकता पड़ती है, और रक्त दान में दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। क्या आपको पता है कि पानमा संसार में एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप सूर्य को पैसिफिक ओकेन से उगते हुए और अंटार्कटिक ओकेन में अस्त होते हुए देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और प्रथम महिला उनके भोजन पर साधन हाइड क्लीनिंग सहित अन्य सभी चीजों के लिए चार्ज किया जाता है। क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले तक काफी संख्या में गिद्ध देखे जाते थे, लेकिन आज ये तुम्हारे या हमारे आसपास कम ही दिखे होंगे। यही हाल है कि पूरे धरती का है। पिछले कुछ दशक से गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से कम आई है, और आज संकट ग्रस्त पंछियों वर्ग में सबसे ऊपरी पायदान पर पहुंच चुका है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय है। हाँ जी, इसके अलावा नासा में 35% वैज्ञानिक भारतीय ही है। क्या आपको पता है कि औरत की सूंघने की शक्ति मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। क्या आपको पता है कि दुनिया की खूबसूरत औरतों में से भारत की औरतें सबसे खूबसूरत मानी जाती है। क्या आपको पता है कि महिलाएं की उम्र पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, और इसका मुख्य कारण है कि महिलाओं के इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा बेटर होता है। अगर आंकड़ों के देखें तो 100 की उम्र के पार करने वाले लोगों में से 5 में से 4 महिलाएं होती है। क्या आपको पता है कि कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में एक ऐसा बल्ब है जो 1901 से अब तक लगातार ही जल रहा है। क्या आपको पता है कि औसत आदमी अपनी पूरी जिंदगी का 1 वर्ष सिर्फ औरतों को घूरने में ही बिता देते हैं। क्या आपको पता है कि न्यूटन के तार की हल्की सी मात्रा भी 100 टन के बराबर होती है। क्या आपको पता है कि हर साल लोग सांप से ज्यादा मधुमक्खियों से मारे जाते हैं। क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध इंग्लैंड में 1896 में और जेनी बार पूर्वी अफ्रीका में के बीच हुआ, जिसमें से जेनी बार ने 38 मिनट बाद ही सरेंडर कर दिया था। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे पुरानी पिज्जा की दुकान इटली के शहर में नेपल्स 1830 में खुली थी, जो आज तक अस्तित्व में है। क्या आपको पता है कि बरसात के मौसम में जब मोर मस्त होकर नाचता है तब उसके पंख टूट जाते हैं। अगस्त के महीनों में मोर की पंख पूरी तरह से झड़ जाते हैं, और गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु के आने तक यह पूरी तरह से वापिस आ जाते हैं। क्या आपको पता है कि कोलकाता में बना खिदरपुर पोर्ट दुनिया का सबसे पुराना पोर्ट है। क्या
क्या आपको पता है कि हर साल आसमान से चमकने वाली बिजली के कारण लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि आपने किसी प्रिय करीबी का हाथ पकड़ने से हमदर्द की अनुभूति कम होती है। क्या आपको पता है कि प्रशांत महासागर में प्रशांत का अर्थ है कि शांतिपूर्ण। असल में जब लोग ने पहली बार इसे देखा तो बहुत शांत पाया और इसे प्रशांत नाम दिया। क्या आपको पता है कि पेटीएम फाउंडर विजय शेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक हिंदी मीडियम स्कूल से की और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के दिन के दौरान इन्होंने इंग्लिश भाषा को मजबूती दी। क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में प्राचीन काल से उत्तर दिशा की तरफ सोना वर्जित माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर दिशा विशाल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसके कारण से इधर सर रखकर सोने से मस्तिष्क में अधिक खिंचाव होता है, बुरे सपने आते हैं या नींद न आने की जैसी समस्या आती है। क्या आपको पता है कि दुनिया में किसी भी समंदर का सबसे गहरा भाग मेरियन ट्रेंच है जो तकरीबन 35,797 फीट गहरा है। क्या आपको पता है कि न्यूटन का तार थोड़ी सी मात्रा भी 100 लाख टन के बराबर है। क्या आपको पता है कि पाचन क्रिया में मदद करने वाली एंजाइम हमारी मौत की 3 दिन के बाद हमारे ही शरीर को खाना शुरू कर देता है। क्या आपको पता है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में 60 बट्टी साबुन बनाने जितनी चर्बी होती है। क्या आपको पता है कि भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। क्या आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत के समय अमेरिका एयरफोर्स के पास केवल 18 पायलट और 5 से 12 जहाज थे। क्या आपको पता है कि नेहरू का खाने के बाद 555 ब्रांड की सिगरेट पीने की आदत थी। एक बार नेहरू जी भोपाल गए थे और उनकी सिगरेट खत्म हो गई। सिगरेट पूरे भोपाल में नहीं मिली तो एक विशेष विमान के इंदौर से सिगरेट लाई गई। क्या आपको पता है कि हिंदी महासागर धरती का सबसे गर्म महासागर है जिसकी सतह का तापमान कई बार 36.6 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्या आपको पता है कि भारत ही विश्व का ऐसा देश है जहां विश्व भर की सभी जलवायु पाई जाता है। क्या आपको पता है कि दुबई के पुलिस वालों के पास भी फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कारें होती है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में लगभग 0.2 मिलीग्राम तक सोना होता है और इसकी सबसे अधिक मात्रा खून में पाई जाती है। क्या आपको पता है कि स्पेस में यानी धातु के दो टुकड़े एक दूसरे के स्पर्श कर लेते हो तो अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। क्या आपको पता है कि सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जिसकी उद्गम उत्तर भारत के हिमालय से होता है। इस नदी की लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है।